मींस कार्टिलेज और बोनी फिश में पूछेगा कितने चेंबर, 2 चेंबर है, लेकिन लंग फिश में याद रखिएगा 3 चेंबर है, ठीक है। और कार्टिलेज और बोनी फिश में एक ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल, लेकिन लंग फिश में 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्केलेटल, तो ठीक है, तो 11th पॉइंट हम देख रहे हैं, उसको कहते हैं स्केलेटल, S-K-E-L-E-T-O-N, स्केलेटल, स्केलेटल मतलब स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अब स्केलेटल में हम देखेंगे क्या, बहुत सारे टर्म्स देखेंगे, स्कल कैसा होता है इनमें, ठीक है, स्कल, ठीक है, स्कल, तो स्कल अगर देखेंगे तो कैसा होगा, ठीक है, तो स्कल इट इज मोनोकोंडाइलिक, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मोनोकोंडाइलिक, ठीक है। इसमें कैसा होता है, दैट इज डाइकोंडाइलिक, इसमें कैसा होगा, मोनोकोंडाइलिक, इसमें कैसा होगा, मोनोकोंडाइलिक, ठीक है, इसमें कैसा होगा, डाइकोंडाइलिक, ठीक है। तो बता चुके हैं ये सब, ठीक है। तो मोनोकोंडाइलिक मतलब क्या होता है, स्कल में, जैसे कि आप देखिए बना भी दे रहे हैं, ये स्कल है, ठीक है। तो ये स्कल अगर देखेंगे इस तरह से, ऐसे इस तरह, तो यहां पर एक ओपनिंग होता है फॉर पैसेज ऑफ क्या, फॉर पैसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, फोरामेन ऑफ मैग्नम होता है। और इसी फोरामेन ऑफ मैग्नम के बगल में दो डिप्रेशन होता है, यहां पर जो है ना, दो डिप्रेशन होता है, जिसमें कि वर्टिकल कॉलम पहला वाला है एटलस फिट करता है इसमें, ऐसे उंगली जैसे देख रहे हैं, इस तरह फिट करेगा इसी में। इस दो डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल कोंडाइल कहते हैं। तो हम लोग में कितना होता है, ये दो होता है, ऑक्सीपिटल कोंडाइल, इसीलिए डाइकोंडाइलिक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मोनोकोंडाइलिक मतलब क्या होगा, इसमें यहां पर दो होता है ना ऑक्सीपिटल कोंडाइल, तो यहां पर टू ऑक्सीपिटल, ओ डबल सी आई पी आई टी एल, टू ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स, सी ओ एन डी वाई एल ई एस, कोंडाइल्स प्रेजेंट इन स्कल, ठीक है, फॉर आर्टिकुलेशन विथ एटलस वर्टिब्रल कॉलम। ये जो वर्टिब्रल कॉलम देख रहे हैं एटलस है, ये यहीं पर जाकर दोनों ऑक्सीपिटल कोंडाइल में फिट होता है, ठीक है, जिसके कारण हम रोटेट कर पाते हैं। तो अगर ऑक्सीपिटल कोंडाइल कितने हैं, दो है तो डाई कोंडाइलिक, मोनोकोंडाइल एक है, एक है, एक है, एक है, तो यहां पर क्या लिख रहे हैं, सिंगल ऑक्सीपिटल कोंडाइल, ठीक है, तो सिंगल ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स प्रेजेंट, ठीक है, ये हो गया इसका। तो याद रखना होगा किसमें डाइकोंडाइलिक है, तो डाइकोंडाइलिक प्रेजेंट इन एम्फीबियन, फ्रॉग और ह्यूमन में याद रखिएगा। तो फ्रॉग और ह्यूमन में कैसा है, डाइकोंडाइलिक, और सब में मोनोकोंडाइलिक, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो देखेंगे, दैट इज वर्टिब्री, क्या देखते हैं, वर्टिब्री, वीई आर टी बी आर ए वर्टिब्री, वर्टिब्री मतलब क्या होगा, वर्टिब्री मीन्स वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम जो देख रहे हैं, ये बैकबोन कहते हैं इसको, बैकबोन, तो वो कैसा है, ठीक है। तो ये होता है एम्फीसीलस, कैसा होता है, एम्फीसीलस, ठीक है। तो दिस इज एम्फीसीलस, इसको इधर लिख देते हैं, दिस इज एम्फीसीलस, ठीक है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम कैसा, एम्फीसीलस इसको लिख दे रहे हैं। और फिर ये क्या हो गया एम्फीसीलस, दैट इज प्रोसीलस। तो तरह तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम। अब ये पढ़ेंगे क्या कि वर्टिब्रल कॉलम जो देखेंगे ना, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रम, सेंट्रम का शेप ऊपर कैसा है, एंटीरियर एंड में, और नीचे पोस्टीरियर एंड में, मतलब फ्रंट और बिहाइंड कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे शेप कैसा है, उस बेसिस पर क्या हो गया ये, उस बेसिस पर, शेप के बेसिस पर सेंट्रम के वर्टिब्री का टाइप हो गया है, ठीक है। तो वर्टिब्री के टाइप कैसा होगा, तो ये क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज, तो वर्टिब्री इसमें कैसा होगा, इसको कहते हैं एम्फीसीलस, ए एम पी एच आई सी ओ एल ओ यू एस, ठीक है, क्या कहेंगे, एम्फीसीलस, ठीक है। तो ये वर्टिब्री का है, एम्फीसीलस कहते हैं, सी ओ एल ओ यू एस। इसमें कैसा होता है, अगर एम्फीबियंस में पूछेगा, दैट इज प्रोसीलस, ठीक है, पी आर ओ सी ओ एल ओ यू एस, ठीक है। इसमें अगर पूछते हैं कैसा होगा, प्रोसीलस, प्रोसीलस, ठीक है। अगर पूछ देगा एव्स में कैसा होता है, ठीक है, अगर पूछ देगा एव्स में तो कैसा होगा, दैट इज, तो ये होगा प्रो, पी आर ओ सी ओ एल ओ यू एस, प्रोसीलस, ठीक है। इसमें कैसा होगा, तो एव्स में हेट्रोसीलस कहते हैं, एच ई टी आर ओ सी ओ एल ओ यू एस, हेट्रोसीलस,
ठीक है, इसमें अगर पूछ देगा मैमस में तो एम्फीसिलस प्रोसिलस दैट इज प्रोसिलस नीचे हेट्रोसिलस और इसमें देखेंगे इसको कहते हैं ऑसिलस ए सी ओ एल ओ यूएस ऑसिलस और एक और नाम है इसका एम्फी एम पी एच आई पी एल ए पी वाई एन एम्फी प्लाइटन तो इसमें ऑसिलस वर्टिब्री और एम्फी प्लाइटन कहेंगे ठीक है। इसमें कैसा होता है हेटरोसिलस एच ई टी ई आर ओ सी ओ ई एल ओ यू एस हेटरोसिलस तो पूछेगा हेटरोसिलस सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट इन दिस इसमें कैसा होगा प्रोसिलस ठीक है। इसमें कैसा होगा एम्फीबियन में प्रोसिलस ठीक है। तो एम्फीबियन कहने का मतलब फ्रॉग में पूछ देगा कैसा होता है दैट इज प्रोसिलस ठीक है। इसके बाद एम्फीसिलस इसमें ठीक है। अब देखिए आपको ये याद रखना है ठीक है कि किसमें कैसा वर्टिब्रल कॉलम है ठीक है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम किस बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेंट्रम ठीक है। तो यहां पर शेप ऑफ सेंट्रम है ना तो यहां पर खुद देखिए ये शेप ऑफ सेंट्रम तो यहां पर लिख रहे हैं कि अगर प्रोसिलस क्या कहेंगे अगर कॉनकेव इन फ्रंट एंड कॉन्वेक्स बिहाइंड कहने का मतलब ऊपर अगर सेंट्रम कैसा होगा कॉनकेव और नीचे क्या होगा कॉन्वेक्स तो इसको कहेंगे प्रोसिलस ठीक है। तो ये क्या है लिख दे रहे हैं एंटीरियर एंड में कैसा होगा कॉन्वेक्स कॉनकेव और पोस्टीरियर एंड में कैसा होगा दैट इज कॉन्वेक्स। तो इफ द ऐसा कह सकते हैं इज प्रोसिलस इफ द शेप ऑफ सेंट्रम इज कॉनकेव इन फ्रंट एंड कॉन्वेक्स बिहाइंड तो इसको कहेंगे प्रोसिलस। उसी तरह एम्फीसिलस क्या होता है एम्फीसिलस क्या होगा कि इफ द शेप ऑफ तो यहां पर देखिए शेप क्या हो गया कॉनकेव दोनों साइड में कॉनकेव होगा ऊपर और नीचे दोनों क्या होगा कॉनकेव तो इसको हम क्या कहेंगे एंटीरियर भी कॉनकेव हो और पोस्टीरियर भी कॉनकेव हो तो इसको हम कहेंगे एम्फीसिलस। तो ज्यादातर एम्फीसिलस होता है ठीक है। एम्फीबिया में देखेंगे क्या होगा प्रोसिलस लेकिन कुछ ऐसे भी एम्फीबियन है जिसमें कि क्या होते हैं एम्फीसिलस होते हैं ठीक है। तो यह याद रखेंगे एम्फीसिलस प्रोसिलस फ्रॉग में यहां पर प्रोसिलस क्या होगा यही सेम होगा ठीक है। हेट्रोसिलस का कहने का मतलब क्या होगा यहां पर कह सकते हैं कि सेंट्रम सैडल शेप्ड होता है ऑन बोथ एंड्स ठीक है। तो कह सकते हैं सैडल एस ए डबल डी एल ई सैडल शेप्ड सेंट्रम सैडल शेप्ड ऑन क्या सेंट्रम सैडल शेप्ड सी एन टी आर यून सेंट्रम ऑन बोथ साइड ऊपर नीचे कुछ भी है सैडल जैसा होगा तो ठीक है। तो यहां हो गया ऑसिलस मतलब क्या होगा ऑसिलस मतलब कह सकते हैं फ्लैट ऑन बोथ साइड सेंट्रम इज क्या फ्लैट सेंट्रम ऑन बोथ साइड्स ठीक है। तो कह सकते हैं फ्लैट ऑन बोथ साइड्स हो तो कहने का मतलब ये देखिए ऐसे ये ऐसे है ना ये यही है ना इस तरह से ऐसे ये देखिए ऐसे है तो ये भी क्या है फ्लैट है ना ये सब तो इसको कहेंगे इफ द सेंट्रम इज फ्लैट ऑन बोथ साइड्स इसको हम क्या कहेंगे ये ऐसे ठीक है। इफ द सेंट्रम इज फ्लैट ऑन बोथ साइड्स ठीक है तो ये लेकिन एम्फीप्लाइटन क्या हो गया फ्लैट है ध्यान दीजिएगा दोनों में अंतर क्या है ये आप देखिए ये ऐसे है ये ठीक है ये देखिए फ्लैट है होता क्या है इनिशियली जो सेंट्रम है ना यहां देखिए इनिशियली मैमेलियन में कैसा होता है वर्टिकल कॉलम फ्लैट ऑन बोथ साइड इस तरह का डेवलप होता है ऐसा ठीक है। इनिशियली क्या होता है ये इस तरह का होता है ये वाला ऑसिलस लेकिन इसी में क्या होता है इसी फ्लैट था इसी में क्या डेवलप हो गया इसी में एक पैड इसके चारों तरफ डेवलप हो जाता है दोनों साइड में क्या हो गया पैड डेवलप हो गया तो इसी को अब हम क्या कहेंगे इसको अब इसी को हम क्या कहेंगे अब इसी को हम कहते हैं एम्फीप्लेटन ठीक है। तो ये जो पैड डेवलपमेंट ऑफ पैड हो गया ना ठीक है सराउंडेड इफ द कह सकते इफ द सेंट्रम इज सराउंडेड बाय पैड ठीक है इफ द सेंट्रम इज सराउंडेड बाय पैड ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रम तो इसको हम कहते हैं एम्फीप्लाइटन ठीक है। और ये पैड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं इट इज नोन एज एपिफाइसिस ठीक है।
तो अंतर यही है। तो कह सकते हैं इफ द सेंट्रम इज कॉन्केव ऑन कॉन्केव इन फ्रंट एंड कॉन्केव फ्लैंक इट इज नोन एज प्रोसेलस। इफ द सेंट्रम इज कॉन्केव ऑन बोथ साइड इट इज नोन एज एम्फिसेलस। इफ द सेंट्रम इज सेंट्रल सेपरेट ऑन बोथ साइड इट इज नोन एज हेट्रोसिलस। इफ द सेंट्रम इज फ्लैट ऑन बोथ साइड इट इज नोन एज असिलस। बट व्हेन दिस फ्लैट ठीक है व्हेन दिस फ्लैट सेंट्रम इज सराउंडेड बाय क्या पैड। ये यहां पर लिख दो क्या है यहां पर पीएडी पैड है ठीक है एक पैड है और सराउंडेड बाय पैड ऑन बोथ साइड ऑफ फ्लैट सेंट्रम इट इज नोन एज एम्फीफ्लाइटन। तो पूछ देगा असिलस वर्टिब्रली कहां पाया जाता है मैमल्स में एम्फीफ्लाइटन कहां पाया जाता है यही है मैमल में ठीक है। तो ये याद रखना आपको यहां पर है ठीक है। तीसरा जो हम पढ़ेंगे दैट इज नोन एज ईयर बोन। कान में जो बोन होते हैं वो देखते हैं तो इसको कहते हैं ईयर बोन ईयर बोन। कान में हम लोग में देखेंगे तीन बोन होते हैं मिस करते हैं मैलियस इंसस स्टेप तीन बोन होते हैं तीन बोन इसमें तीन बोन इसमें ठीक है। लेकिन पाइसेस एम्फीबियल हेपेटाइटिस वगैरह देखेंगे तो इसमें ईयर बोन जो है ना और तीनों बोन को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं ईयर ऑसाइकल्स कहते हैं। तो आप कह सकते हैं ईयर ऑसाइकल्स और ईयर बोन ठीक है। तो इसमें कोई भी ईयर बोन नहीं है इसमें नहीं है इसमें देखते हैं है तो इसमें जो एक ही ईयर बोन होगा और उसको हम कहेंगे कॉलुमेला COLUMELA कॉलुमेला जिसको कि इक्विवेलेंट टू हम लोग की स्टेप है। हम लोग में क्या होता है मैलियस इंसस स्टेप तो इसमें सिर्फ स्टेप है जिसको कि कॉलुमेला कहते हैं कॉलुमेला और इस वगैरह ठीक है। इसमें भी देखेंगे एक ही बोन होगा क्या कहते हैं इसको कॉलुमेला इट इज इक्विवेलेंट टू क्या स्टेप्स ठीक है। इसमें भी कितना बोन होगा कॉलुमेला एक ही बोन होगा ईयर बोन जिसको कि स्टेप्स कह सकते हैं। लेकिन हम लोग में तो ईयर बोन देख रहे हैं कितना होगा इसमें नहीं है इसमें है एक एक बोन इसमें कितना है तीन है तो इसमें तीन है तो इसको कहते हैं मैलियस MALLUS मैलियस INCUS इनकस ठीक है और स्टेप्स। ये ध्यान दीजिएगा मैलियस इनकस और स्टेप्स तीन बोन है तो इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं मिस कहते हैं मिस ठीक है। तो ये देखिए मैलियस जो है ना बाहर से अंदर जा रहे हैं तो सबसे बाहर वाला आउटर बोन है फिर अंदर गया इनकस और स्टेप अंदर ठीक है। तो बाहर से इट इज आउटर बोन और ये कैसा होता है ये हैमर जैसा होता है मैलियस कैसा होता है हैमर जैसा होता है तो इसको हम हैमर बोन भी कहते हैं मैलियस इज हैमर बोन ठीक है। हैमर जैसा होता है थोड़ा कहेंड हो ना होता है उस तरह। इनकस जो है एनविल सेपरेट होता है ANVIL इसीलिए इसको एनविल बोन भी कहते हैं। और स्टेप कैसा होता है स्टीरप जैसा STIRUP स्टीरप से पेड ठीक है इसीलिए इसको क्या कहते हैं स्टीरप बोन याद रखिएगा ठीक है। ये तीन तो हम इनमें क्या होगा एक हो एक ईयर साइकल्स होगा ईयर बोन एक एक इसमें तीन ठीक है इसमें नहीं होता है ठीक है। तो यहां पर क्या है याद रखिएगा इसमें नहीं है तो यहां पर क्या होता है एक होता है इसको कहते हैं वेवेरियन ऑसाइकल्स WEVERIAN वेबेरियन ओसाइकल्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें इनमें वेबेरियन ओसाइकल्स होते हैं ठीक है। तो ये नहीं होता है तो इसके जगह पर क्या होता है वेबेरियन ओसाइकल्स इसको बड़ा करके लिख देते हैं। तो यहां पर क्या होगा ये नहीं है तो क्या है WEVERIAN वेबेरियन ओसाइकल्स कहते हैं ईयर ओसाइकल्स है ना या कि ईयर बोन कहते हैं चाहे ईयर ओसाइकल्स कहते हैं। तो ईयर ओसाइकल्स क्या होगा एम्फीबियन में एक है रेप्टाइल एप्स में एक है इसमें तीन है। लेकिन यहां पर याद रखिएगा ये नहीं होता ईयर ओसाइकल्स नहीं है यहां पर कहते हैं वेवेरियन ओसाइकल्स प्रेजेंट ठीक है। और ये वेवेरियन ओसाइकल्स होता क्या है ठीक है तो ये किसको कनेक्ट करता है तो फिश है ना तो फिश में बताए थे ना स्विम ब्लैडर होता है तो स्विम ब्लैडर को किसके ऑडिटरी सिस्टम जो है ना जो सुनने वाला उसको जोड़ता है ये ठीक है। तो इट कनेक्ट याद रखेंगे इट कनेक्ट व्हाट इट कनेक्ट स्विम ब्लैडर विथ इसके साथ ऑडिटरी सिस्टम चाहे इट कनेक्ट्स स्विम ब्लैडर टू ऑडिटरी सिस्टम ठीक है। तो जहां सुनने वाला अपैरेटस होता है ना ठीक है वहां से स्विम ब्लैडर से उनको जोड़ता है ये वेबेरियन ओसाइकल्स। तो ऐसा माना जाता है कि ये किसको जोड़ रहा है स्विम ब्लैडर टू ऑडिटरी सिस्टम। और ये मेनली ये सब क्या है ये ईयर में जो बोन होते हैं ना हम लोग में वो क्या होता है जो भी साउंड वेव्स है ना वो मैलियस पहले कहां जाएगा मैलियस में इंसस स्टेप। तो ये जो बोन्स है ना एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स करते हैं साउंड वेव का एम्पलीफाई करते हैं कह सकते हैं 20 टाइम्स एम्पलीफिकेशन करते हैं
ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं वैल्यूस इन सिस्टम, तो यहां पर भी माना जाता है कि ये क्या में हेल्प कर रहा है, ये सिस्टम स्विंग ब्लैडर से ऑडिटरी सिस्टम तक, इट हेल्प्स इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ व्हाट, साउंड वेव्स। तो याद रखेंगे, तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स के लिए इसमें क्या है, वेबेरियन ओसाइकल्स है। तो आपको याद रखना है कि वेबेरियन ओसाइकल्स कहां पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन पाइसेस ओनली। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज स्टर्नम और रिब्स। ठीक है, तो इसके बाद क्या देख रहे हैं हम, स्टर्नम, STERNUM, स्टर्नम। ठीक है, तो स्टर्नम को क्या कहते हैं, जिस तरह वर्टिब्रे को बैकबोन कहते हैं, ये बैक है ना, और ये जो स्टर्नम है ये यहां पर, इसको कहते हैं ब्रेस्ट बोन, BREST, ब्रेस्ट बोन। ठीक है, तो स्टर्नम, ठीक है, तो स्टर्नम देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्टर्नम देखेंगे, ठीक है, इनमें नहीं होता है, तो स्टर्नम इज -NT, इसमें नहीं होता है। यहां पर देखिए, इसमें +NT प्रेजेंट, इसके बाद सभी में है +NT, इसके बाद +NT प्रेजेंट, इसके बाद +NT प्रेजेंट। मतलब हम कह सकते हैं कि स्टर्नम क्या हो गया, स्टर्नम सभी में है, केवल कहां पर नहीं है, पाइसेस में नहीं है। ठीक है, तो स्टर्नम जो है ये कहां पर डेवलप है, स्टर्नम इज मेनली डेवलप्ड वेयर। ठीक है, तो स्टर्नम मेनली फर्स्ट आया कब है, स्टर्नम तो फर्स्ट आया है कहां पर, दैट इज एम्फीबियन में। ठीक है, तो स्टर्नम जो है फर्स्टली डेवलप्ड इन कहां पर, कह सकते हैं एम्फीबिया। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं दो तीन पॉइंट कि फर्स्ट डेवलप्ड कहां पर, इन एम्फीबियन, एम्फीबियन में भी फ्रॉग वगैरह में, अनुरा में, फर्स्ट डेवलप इन एम्फीबियंस, और वो भी कौन सा, इन अनुरा, एक ऑर्डर है जिसमें कि फ्रॉग वगैरह होता है ना, उसी में। ठीक है, ये आया है। इसके बाद यहां पर देखेंगे, फर्स्ट आया है यहां, आ गया यहां पर, रेप्टाइल्स में भी है। ठीक है, यहां देख रहे हैं एप्स में। ठीक है, तो एप्स में हम देखेंगे क्या स्टर्नम होगा। ठीक है, ये क्या होगा, स्टर्नम उसमें भी होगा। एक चीज और देखते हैं, पहले इसको देख ले। अब यहां देखिए, स्टर्नम के बाद क्या होता है, एक स्टर्नम ये है और ये क्या है, इसको रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिब्स। ठीक है, रिब्स, तो रिब्स जो है ना, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो रिब्स है, दीज रिब्स आर अटैच टू कहां, स्टर्नम से अटैच है ना। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब में अटैच हो रिब्स, तो स्टर्नम से रिब्स अटैच है, तो यहां पर हम देखेंगे क्या कि रिब्स है इसमें। तो यहां पर लिख रहे हैं, ये देखिए, ये तो यहां पर देखिए रिब्स। ठीक है, तो रिब्स इसमें हैं, इसमें हैं, मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मतलब रिड्यूस कुछ भी होते हैं। तो ये इसमें है, इसमें भी है, ये लीजिए इसमें भी है, सब में है रिब्स, ये लीजिए इसमें भी है, ये लीजिए इसमें भी है। ठीक है, तो देख रहे क्या स्टर्नम, रिब्स सभी में है। अब यहां पर ध्यान क्या रखना है कि अगर ये रिब्स जो है स्टर्नम से अटैच्ड होगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डिस्टिंक्ट स्टर्नम, DISTINCT, डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट स्टर्नम कहेंगे, स्टर्नम क्या होगा, डिस्टिंक्ट कहेंगे, मतलब इफ रिब्स आर अटैच्ड टू इट, अगर नहीं है तो क्या, इनडिस्टिंक्ट कहेंगे, INDISTINCT, इनडिस्टिंक्ट, मींस रिब्स आर नॉट अटैच्ड टू स्टर्नम, इनडिस्टिंक्ट। तो यहां पर आपको देखिए, यहां तो स्टर्नम है ही नहीं, यहां बात ही नहीं है, तो यहां पर फर्स्ट डेवलप्ड इन अनुरा। ठीक है, और ये यहां पर देखेंगे रिब्स हैं लेकिन ये अटैच नहीं है इससे, तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये डिस्टिंक्ट रिब्स, ये क्या स्टर्नम ना, तो स्टर्नम प्रेजेंट है फर्स्ट डेवलप्ड इन अनुरा। ठीक है, अनुरा फ्रॉग में। यहां पर दूसरा कह सकते हैं ये इनडिस्टिंक्ट है, इनडिस्टिंक्ट मतलब क्या हुआ, रिब्स आर नॉट अटैच टू स्टर्नम, रिब्स है लेकिन स्टर्नम से अटैच डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं प्रेजेंट है लेकिन ये कैसा है, डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट, स्टर्नम इज डिस्टिंक्ट, दैट इज रिब्स आर अटैच टू स्टर्नम। ठीक है, यहां कैसा होगा, सब में डिस्टिंक्ट है, सब में अटैच है, तो ये डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। जब भी हम कहेंगे कि स्टर्नम इज डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब रिब्स आर डायरेक्टली अटैच टू इट। ठीक है, और इसमें क्या है, इंडिस्टिंक्ट मतलब रिब्स आर नॉट
अटैच टू स्टर्नम, ठीक है। तो याद रखेंगे डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब एक दो चीज और याद रखना है आपको कि ये जो एब्स है, ठीक है, एब्स, इसमें जो स्टर्नम देख रहे हैं ना, एब्स में स्टर्नम प्रेजेंट है। कैसा है ये? डिस्टिंक्ट है, मतलब रिब्स आर अटैच टू इट, पहला। दूसरा याद रखेंगे कि ये स्टर्नम जो है ना, स्टर्नम का नीचे वाला जो फूला हुआ पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज कील, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट है, इसका ऐसे देखिए यहां, ये मान लीजिए कि ये स्टर्नम है, ये इसी का नीचे एक फूला सा इस तरह का पोर्शन है, इसको कहते हैं क्या? कील, के डबल ई एल, क्या कहते हैं? कील कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, नीचे फूला हुआ पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? हम ऊपर लिख रहे हैं के डबल ई एल, कील, ठीक है। और इसी को करीना कहते हैं, सी ए आर आई एन ए, करीना, ठीक है। तो स्टर्नम का जो बेसल पोर्शन है, स्वोलन है, उसको कहते हैं कील और करीना। तो कील और करीना इज प्रेजेंट इन कहां पर? स्टर्नम ऑफ किसके? एब्स ओनली, और कहीं नहीं, ठीक है। तो कील है, इसको कहते हैं, इसमें कह सकते हैं स्टर्नम प्रेजेंट डिस्टिंक्ट है, और यहां कह सकते हैं के डबल ई एल कील और करीना, सी आर आई एन ए, करीना प्रेजेंट, ठीक है। और ये कील और करीना है क्या? ठीक है, कील और करीना है क्या? ठीक है, तो ये कह सकते हैं इट इज द बेसल स्वोलन पार्ट, ठीक है। ये बेसल, दो पॉइंट याद रखेंगे, इट इज बेसल पार्ट, स्वोलन पार्ट ऑफ स्टर्नम, पहला, ठीक है। और दूसरा क्या देखेंगे? दूसरा, दूसरा एक पॉइंट और लिख देंगे, इसको नीचे लिख देंगे बाद में, ठीक है। बेसल स्वोलन पार्ट ऑफ स्टर्नम जो देख रहे हैं, इसको नीचे कर दे सबको, तो रिब्स नीचे कर देंगे, रिब्स प्रेजेंट, रिब्स प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट, यहां पर भी प्रेजेंट, सभी में प्रेजेंट है, यहां पर भी प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहां पर क्या होगा कि बेसल, व्हाट इज कील और करीना? तो कील और करीना इज द बेसल पार्ट ऑफ स्टर्नम, पहला, और इट प्रेजेंट इन कहां पर? बर्ड्स ओनली, ठीक है, दूसरा, ठीक है। और ये क्या करता है ना, इट एक्ट्स एज अ, कह सकते हैं जॉइंट प्लेन, ये क्या होता है? ये जॉइंट प्लेन है, यहीं पर इट एक्ट्स एज अ जेवाईएनटी, जॉइंट प्लेन फॉर अटैचमेंट ऑफ, किसके लिए? फ्लाइट मसल्स, ठीक है। तो ये देखिए, इसको एब्स को, बर्ड्स को उड़ना है ना, ठीक है, तो उड़ने के लिए फ्लाइट मसल्स का अटैच होना चाहिए ना, तो मेरे लिए इसी स्टर्नम से अटैच होता है फ्लाइट मसल्स, ठीक है। तो ये हाईली डेवलप्ड किसमें होगा? फ्लाइंग बर्ड जो है, जो उड़ते हैं, उनमें ज्यादा डेवलप होगा, कील और करीना, ठीक है। तो कह सकते हैं स्टर्नम इन एब्स इज डिस्टिंक्ट, मतलब रिब्स आर डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम, पहला। दूसरा पॉइंट, कील और करीना इज प्रेजेंट इन स्टर्नम ऑफ किसके? बर्ड ओनली। व्हाट इज कील? इट इज द बेसल स्वोलन पार्ट ऑफ स्टर्नम। दूसरा, इट एक्ट्स एज अ जॉइंट प्लेन फॉर अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स, तो उड़ने वाले में होगा। तो क्लासिफिकेशन बर्ड्स में हम पढ़े थे, तो उसमें हम क्या देखें? एक होता है फ्लाइंग, जितने भी बर्ड्स हैं, फ्लाइटलेस नहीं, फ्लाइंग, उसमें क्या होता है? कील और कैरिना हाईली डेवलप्ड है, ताकि फ्लाइट मसल्स ज्यादा उसमें अटैच हो, ज्यादा उड़े, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते थे? कैरिनाटा कहते थे उस ऑर्डर को, कैरिनाटा, कैरिना है इसलिए कैरिनाटा, ठीक है। ये हो गया, इसमें याद रखेंगे, ठीक है, ये हो गया। इसमें एक चीज और याद रखेंगे कि एब्स में क्या है? रिब्स है ना, एब्स में क्या है? यहां पर एब्स में क्या है? रिब्स है। तो रिब्स जो देखेंगे हम लोग में, जो रिब्स होते हैं, ठीक है, वो कैसा होता है? वो क्या होता है? रिब्स देखेंगे तो ये रिब्स ऐसे, ये देखिए रिब्स है मान लेते हैं, तो ये इस तरह से ऐसा होता है, इस तरह से ऐसे होता है, मतलब ये वाला एंड जो है पीछे वाला क्या है, ये दो ऐसे निकला हुआ है, इस तरह बाइफर्केशन, बाइफिड कहते हैं, क्या कहते हैं? बाइफिड। तो इसमें कैसा होता है, हम लोग में जो रिब्स है वो कैसा है, ये याद रखना है, बाइफिड, रिब्स आर बाइफिड। इसमें भी देखेंगे क्या होगा, रिब्स में रिब्स बाइफिड होगा, ठीक है। एंड एक चीज और याद रखेंगे, इसमें एक प्रोसेस होता है, रिब्स में जो है प्रोसेस होता है, एक इस तरह निकला रहता है, उसको कहते हैं अनसिनेट प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है? बाइफिड एंड अनसिनेट, यूएनसीआई एन ए टी,
इसको कहते हैं अनसिनेट प्रोसेस प्रेजेंट, ठीक है। तो ये कह सकते हैं, आपको ये याद रखना है कि बाइफिड प्लस बाइफिड प्लस अनसिनेट प्रोसेस, तो कह सकते हैं अनसिनेट प्रोसेस इज प्रेजेंट इन कहां पर, दैट इज रिब्स ऑफ एब्स, और कहीं नहीं होता है। तो ये एक्चुअली में क्या हुआ कि एक रिब केज होता है ना पूरा, ये बनाने में हेल्प करता है ये, ठीक है, सपोर्ट के लिए, फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इतना बाइफिड है तो आपको ये याद रखना है कि इसका कैसा वर्टिकल कॉलम बोन, एक होते हैं, तीन होते हैं, ठीक है। इसमें सभी में स्टर्नम कहां हुआ, पूछेगा स्टर्नम कहां फर्स्ट डेवलप हुआ, फर्स्ट एम्फीबियंस में, लेकिन डिस्टिंक्ट स्टर्नम इज प्रेजेंट इन कहां पर, यहां, ठीक है। तो स्टर्नम प्रेजेंट, डिस्टिंक्ट स्टर्नम पहला कहां पर आया, रेप्टाइल्स में, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में। यहां पर कीलर कैरिना कहां डेवलप हुआ, एब्स में, ठीक है। उसी तरह पूछेगा कि अनसिनेट प्रोसेस इज प्रेजेंट इन वेयर, इन स्टर्नम नहीं, इन रिब्स ऑफ बर्ड्स, इसमें क्या हुआ, अनसिनेट नहीं है लेकिन बाइफिड है, ठीक है। इस तरह का होता है स्ट्रक्चर। तो दिस इज ऑल अबाउट ये स्केलेटन। एक और है, अभी देखेंगे इसमें टाइप क्या है, बोनी है, कार्टिलेजनस है, कुछ